हेलो दोस्तों, टुडे स्टॉक मार्केट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक पर बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी शानदार तरीके से हमें देखने को मिल रहा है और हमें इस स्टॉक में पिछले एक साल में लगभग 150% का हमें रिटर्न देखने को मिला है जो कि काफ़ी शानदार है। जब स्टॉक की प्राइस 250 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, उस समय लगातार हम आप लोगों को वीडियो बनाकर बोला था कि इस स्टॉक को ऊपर फोकस बनाकर रखिए। इसमें शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों में जबरदस्त तरीके से हमें मुनाफा देखने को मिल सकता है और स्टॉक की प्राइस हमें लगभग 450 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए हमें देखने को मिला था और स्टॉक में आजकल थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कि वो स्टॉक है कौन सा। दोस्तों मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। दोस्तों हम आप लोग से बात कर रहे हैं JSW Steel लिमिटेड की रिगार्डिंग। अगर मैं इसका आज की ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आप लोग देख सकते हो कि लगभग 0.5% का हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। जो कि हम बात करें पिछले 6 मंथ का, तो आप लोग देख सकते हो कि पिछले 6 मंथ में हमें लगभग 50% के अप्रोक्स में हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं बात करें पिछले एक साल का, तो आप लोग देख सकते हो कि पिछले एक साल में लगभग 142% से एबव का हमें मुनाफा देखने को मिला है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों वहीं बात करें पिछले 5 ईयर का, तो आप देख सकते हो कि पिछले 5 ईयर में लगभग 250% से एबव का हमें मुनाफा देखने को मिल रहा है जो कि जैकपॉट की तरह हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें इसका मैक्सिमम डिके चार्ट पैटर्न का, तो यहाँ पर देख सकते हो कितना शानदार तरीके से हमें यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला है। लगभग यहाँ पर 91,000% के आसपास में हमें मुनाफा देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं बात करें कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें इस स्टॉक में कितना में डिलीवरी देखने को मिला है, तो आप लोग देख सकते हो कि आज की ट्रेडिंग सेशन में लगभग ओनली 16% का हमें डिलीवरी देखने को मिल रहा है जो कि उतना अच्छा नहीं है। दोस्तों वहीं बात करें इस स्टॉक का 52 वीक लो एंड हाई का, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि स्टॉक ओनली 132 के ऊपर ट्रेड कर रहा था लास्ट ईयर जब देश में लॉकडाउन की स्थिति हुई थी और वहां से स्टॉक हाल ही के दिनों में लगभग 435 का हाई बनाया है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं बात करेंगे फेस वैल्यू का, तब हमें यहाँ पे 1 रुपये देखने को मिल रहा है। दोस्तों वहीं बात करेंगे कि यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में कितना हमें सेल्स देखने को मिल रहा है और यहाँ पर नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर नेट प्रॉफिट काफ़ी शानदार तरीके से हमें दिसंबर क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। दोस्तों वहीं बात करेंगे कि इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग कितना है, तो आप लोग देख सकते हो कि लगभग 44% से एबव का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है प्रमोटर का जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं बात करेंगे क्या प्रमोटर का शेयर कोई प्लेस भी है, तो लगभग यहाँ पे 22% से एबव का हमें शेयर प्लेस देखने को मिल रहा है। दोस्तों वहीं बात करेंगे कि इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि 1,02,000+ में हमें देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं बात करें फेस वैल्यू का, तो यहाँ पर भी हमें 1 रुपये देखने को मिल रहा है। जो कि बात करें सेक्टर के पी रेशियो का, तो यहाँ पे 15.37 हमें देखने को मिल रहा है जो कि सेक्टर के पी रेशियो से इस स्टॉक का पी रेशियो काफ़ी हाई हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों वहीं बात करेंगे कि यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर में कितना सेल्स दिखाया था कंपनी ने, वो भी डेटा एक बार देखने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि दिसंबर क्वार्टर में काफ़ी शानदार तरीके से हमें सेल्स देखने को मिल रहा है और बात करें नेट प्रॉफिट का, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों वहीं बात करें कि इस स्टॉक में यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, तो आप लोग देख सकते हो कि रिजर्व एंड सरप्लस काफ़ी शानदार तरीके से हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पर ईयर बाई ईयर काफ़ी इंप्रूवमेंट के साथ हमें देखने को मिल रहा है। जो कि बात करें डेप्ट का, तो यहाँ पर कंपनी के पास अदर लायबिलिटी लगभग 51,000+ में हमें देखने को मिले हैं। जो कि बात करें यहाँ पे करेंट लायबिलिटी का, तो 43,000+ में हमें देखने को मिले हैं जो कि सारा का सारा फिगर दोस्तों करोड़ों में है। वहीं बात करें फिक्स एसेट का, तो आप लोग देख सकते हो कि फिक्स एसेट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें ईयर बाय ईयर इंप्रूवमेंट के साथ हमें देखने को मिल रहा है। जो कि बात करें क्या इस स्टॉक में FII की होल्डिंग है DII और यहाँ पे DII की होल्डिंग है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे प्रमोटर का, तो यहाँ पे लगभग हमें 44% से एबव का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है। जो कि बात करें यहाँ पे
एफआई की होल्डिंग के लगभग 13% से एबव का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी स्ट्रांग है। वहीं बात करें यहाँ पे डीआई की होल्डिंग की, लगभग 6% से एबव का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही शानदार है। वहीं बात करें यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग की, लगभग यहाँ पे 35% से एबव का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डर पैटर्न हमें काफ़ी शानदार तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। आप लोग चाहो तो इस स्टॉक पर फोकस बना के रख सकते हो, इसमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हमें और भी जंप देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें कि स्टॉक के प्राइस में अगर थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने को मिलता है तो दोस्तों स्टॉक के प्राइस हमें लगभग 375 की तरफ हमें आते हुए देखने को मिल सकता है। अदरवाइज बात करें तो स्टॉक के प्राइस हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 560 के अप्रोच में हमें जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो आप लोग चाहो तो इस स्टॉक पर फोकस बना के रख सकते हो, आने वाले ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी शानदार तरीके से हमें जंप देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हो वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगे प्लीज़ मैं यूट्यूब से सब्सक्राइब करते हैं, मैं जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।